यदि हम अपना पंचायत से पूछी कि एक किसान के लड़का के खाता मा या एक मामूली सी नौकरी करे वाले लड़का के खाता मा या फिर कही अपना से कि यदि कॉल सेंटर मा नौकरी करे वाले एक मामूली नौकरी करे वाले लड़का के खाता में कितना के पैसा के साल भरे में लेन देन होत हुई तो अपना सोचब कि का बात कर लगे। यदि अपना जवाब देती है कहा कि लाख रुपया, बहुत करब तो अपना कहा कि 50 लाख, फिर बहुत करब तो 1 करोड़। और यदि हम अपना से कही कि एक किसान के लड़का के खाता में 3 अरब के लेन देन भा है तो अपना के दिमाग में का हो सुनिए या फिर सोचे माँ यह खबर के बारे में अपना मजबूर जरूर हो जाए। तो पूरी खबर लेके आए विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल हम कर इस्तेवारी अपना पंजर का सब जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के जहाँ पर तक बताया दी मध्य प्रदेश के खंडवा के देश गाँव में रहने वाले एक युवक का इनकम टैक्स के नोटिस मिला जौने से उकर होश उड़ के आईटी डिपार्टमेंट के नोटिस दई के जानकारी मांगे कि ओके द्वारा 3 अरब रुपया के लेन देन का है किनगा। इनकम टैक्स के नोटिस मिले के बाद युवक का समझ में नहीं आ रहा कि खाता में इतनी बड़ी राशि के लेन देन कैसा हो गया, लेकिन मामला तब समझ में आवे लगा जब बात सामने आई कि ओके नाम से बैंक के अकाउंट मुंबई में खोला गया जौने में से 3 अरब रुपये के लेन देन भा है। यह बात की शिकायत ओके द्वारा इनकम टैक्स सहित पुलिस विभाग से कीन गए और डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करके केहू के साथ जो है या मतलब वह व्यक्ति के साथ फ्रॉड भा है यह बात बताई गई। खंडवा के देशगांव में रहने वाले प्रवीण राठौर 2021 के मार्च अप्रैल में पहले इनकम टैक्स के नोटिस मिला उनका लाख के उनके साथ कोई मजाक करने लगे, लेकिन 2021 में नवंबर महीने में उनका दूसरा नोटिस मिला इनकम टैक्स विभाग के द्वारा प्रवीण से पूछा गया कि वह जो है 2 अरब 90 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन अपने एक्सिस बैंक खाता से कौन वजह से किनगा। तब प्रवीण के होश उड़िए अपना ऑब्जेक्ट बताया दी प्रवीण ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से किसान के लड़का ही इनकर बड़ी राशि के ट्रांजेक्शन इतनी बड़ी राशि के ट्रांजेक्शन अपने जीवन भर में अपने बैंक अकाउंट में कबो नहीं करे। ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि उनका एक्सिस बैंक में कोनो अकाउंट ही नहीं है न कबो मुंबई के। नोटिस मिले के बाद प्रवीण लगातार इनकम टैक्स और पुलिस के चक्कर काट के अपन फरियाद सुनावे लगे रहे। प्रवीण के द्वारा बतावा गया कि मार्च 2021 वो पहली बार इनकम टैक्स के नोटिस मिला तो उनका बड़े हल्के से ले लिन, लेकिन दोबारा 2021 नवंबर में उनका दूसरा नोटिस जो है इनकम टैक्स से मिला जो उमा आपन छानबीन शुरू किए गए। प्रवीण का लाख की वो जौने कॉल सेंटर से काम कर रहे थे वो माँ नोटिस वहीं से मिला हुई। बता दी कि प्रवीण 2021-2015 तक इंदौर के कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे वहाँ उनके द्वारा पीएफ के पैसा लेकर रहा। जब उनके द्वारा अपने कॉल सेंटर के दफ्तर के पता किए गया पता चला कि उनका कोनो नोटिस नहीं भेजा गया है। फिर वो खंडवा स्थित इनकम टैक्स के ऑफिस पहुंचे या नोटिस के बारे में पूछताछ करें तो खंडवा इनकम टैक्स ऑफिस में उनका संतुष्ट जवाब नहीं मिला और वो इंदौर इनकम टैक्स ऑफिस भेज देंगे। जब वहां से उनका कोनो जवाब नहीं मिला तो प्रवीण निराश होकर वापस लौट आए। 2022 फरवरी के महीना में प्रवीण का तीसरा नोटिस मिला उसके बाद प्रवीण एक बे फिर इनकम टैक्स खंडवा ऑफिस पहुंच के अपन दुखड़ा सुनाई अपना चक बता दी। प्रवीण की पूरी कहानी सुन के इनकम टैक्स माँ जो है उनका पुलिस से कंप्लेंट करे के बाद कही गए। प्रवीण स्थानीय थाना में रिपोर्ट करे पहुंचे तो मामला मुंबई के होए के वजह से वहां जाके थाने के द्वारा सलाह दी गई। प्रवीण अपन फरियाद इंदौर कमिश्नर ऑफिस से लेके ऊ पहुंचे। 24 फरवरी को उनके द्वारा पुलिस कमिश्नर इंदौर के ऑफिस में आवेदन दे के पुलिस का बतावा गया कि उनके साथ फ्रॉड भा है, उनके दस्तावेज के गलत इस्तेमाल के साथ फ्रॉड किया गया है। प्रवीण के द्वारा बतावा गया कि जीवन में कबो मुंबई नहीं गए उन्ना एक्सिस बैंक में कोनो अकाउंट खुलवाया ही। प्रवीण ये मामला मां तह तक जाए खेतिर खंडवा स्थित एक्सिस बैंक पहुंच गए और उसके बाद कथित या जो है खाता के बारे में जानकारी ले चाहिए तब उनका पता चला कि खाता 2013 में खोला गया। कुछ समय बाद एवं लंबा ट्रांजेक्शन होने के बाद यह खाता बंद हो गया। यह खाता माँ प्रवीण के पैन कार्ड का उपयोग किया गया है जिसके बाद प्रवीण के द्वारा खंडवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच के पुलिस के सामने जो उनके साथ फ्रॉड भय है उसकी शिकायत दर्ज करे के मांग करी है। तो निश्चित तौर पर हम अपना हमेशा जो है लापरवाही करी थे और वह लापरवाही के नतीजा यह होते कि यह में फ्रॉड करे का जो है गलत लोगन का हम जो है मौका दे दी थी। काहे ये बात हम कही लागे अपना का यह बात से हमारे समझ में आई कि जब हम बच्चे फोटो कॉपी करावे दी थे तो अपन आधार कार्ड मतलब मूल दस्तावेज फोटो कॉपी वाले का दे दी थे। वह चाहे तो वह 10 कॉपी हमारे बच्चे के फोटो कॉपी के एक्स्ट्रा निकाल ले या हम बच्चे कबो का करी थी कोनो पेज खराब भत ऐसे गुरमेट के मचिक दिए किंतु वह हम आप बच्चे के ओरिजिनल दस्तावेज
कौनो गलत हाथन में पड़ी जाते और तब जो है वह गलत लोग वह हमारे पटन के असली दस्तावेजन के गलत इस्तेमाल करके हमका अपना का नुकसान पहुंचा सके थे और नुकसान पहुंचे के बाद फिर हम अपना या कहा जाए कि हम पचे ये सोच ही नहीं सकता है कि हम सब जिनसे गलती कहाँ है। यहीं से कहा थे जो अपना के मूल दस्तावेज है ओका बिल्कुल कहो ऐसा लावारिस नहीं फेंके का है न कोनो ऐसा गलत जगह फोटो कॉपी करावे का है कि वह अपना के गैर जानकारी में अपना से ज्यादा कॉपी निकाल के वो कर गलत इस्तेमाल कर सके। कहे कि अब हर दस्तावेज जो है बेहद महत्वपूर्ण है बिना जो कहा जाए कि ऑथराइज जगह के अपना वो दस्तावेजन का उपयोग न करी। कहे कि यदि अपना गलत जगह इस्तेमाल कर दी है ना वो माँ और सबसे बड़ी बात वो बता दी अपना का यदि आधार कार्ड अपना से मांगा गया आधार कार्ड अपना दिया और वह सादा ब्लैंक पेपर है वो अपना के दस्तखत नहीं आई तो वह कहाँ फोटो कॉपी कराए कि वो दूसर वह आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। यहीं से बे अपना का हम बताई लगे कि एम बेहद सतर्कता अपनाई यदि अपना के मूल दस्तावेज है तो उनका बेहद सावधान और सुरक्षित हो के उपयोग करी नहीं तक कबो अपना के साथ बड़ा धोखा हो सकता है। तो अपन बहुत ख्याल रखब अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब यह खबर में अपन राय अवश्य दे। धन्यवाद। प्रणाम।